मूंगफली हमारे किचन का वो सुपर इंग्रेडिएंट है जिसका यूज सब्जी सैलेड से लेकर मिठाई तक में किया जाता है और इसे ऐसे ही खाना लोगों को बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मूंगफली खाना सही है या नहीं? अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि डायबिटीज खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है और क्या डायबिटीज के मरीजों को मूंगफली का सेवन करना चाहिए या नहीं, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मूंगफली का सेवन करना डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काफ़ी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम होता है और इसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पाई जाती है जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को मूंगफली का सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फैट की मात्रा पाई जाती है और कई बार फैट की मात्रा ज़्यादा होने से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। मूंगफली खाने से ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है बल्कि इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। खासकर सर्दियों में मूंगफली का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है जो हमें एनर्जी देती है। इतना ही नहीं, मूंगफली में पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन को दुरुस्त रखते हैं। ऐसे में आप 100 ग्राम मूंगफली का सेवन एक दिन में कर सकते हैं। इसमें 590 कैलोरीज मौजूद होती हैं।